चंदा कैसेट्स। करके मैं कितनी काली हो गई हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं कितनी सुंदर थी, एकदम झकास टनाटन माल दिखती थी मैं, कसम से। और यहाँ मैं खेत में काम कर करके एकदम काली हो गई हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा निकम्मा पति मिला है कि खेत में ही काम कर रही हूँ, प्रतिदिन काम कर रही हूँ, काम कर करके काली हो गई हूँ। देखो नरसवा, एकदम चुपचाप से देखने दे जी भर के, इसके बाद जितना चिल्लाना होगा चिल्लाना। देख वो मेरी भाभी है, मुझे देख लेने दे पहले। अब चुप रे। सुन नरेश, वो ना चंदा की भाभी है, समझे? तो चंदा की भाभी है तो क्या, मुझे देख लेने दे पहले। पहले मुझे देखने दे। अबे साले देख लेने देना है। पहले मैं बोल रहा हूँ, मुझे देखने दे, पहले मुझे देखने दो, मैं देख लूंगा तो फिर देखेगा। हट। भाभी बहुत झकास दिख रही है प्रिंस। चुप चुप चुप। अरे चुप। हमको देखने दे। अरे आप क्या करेंगे देख के? क्यों? पहले हमको देखने दीजिए। अरे चुप, हमको देख लेने दे। अरे राजेश भैया, पहले हमको देख लेने दीजिए। अरे ये बता, तुझे शर्म नहीं आती क्या? पांच पांच लड़के हो गए, चला है भाभी को देखने। देख ले तुझे। आप कौन से दूध तो धुले हैं? आपके तो 20 लड़के हैं, क्रिकेट टीम बनाएंगे क्या? अरे ऐसा करना, तू भी देख मैं भी देख, कुछ बोल मत। मार देंगे अभी तुरंत। अरे चुप, ज्यादा बोलोगे ना दाढ़ी, तुम ज्यादा बोल रहे हो। तुम ज्यादा बोल रहे हो, बोल दिए, ज्यादा मत बोलो, ठीक है? अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। पूरे गांव की भौजी है, सबको देखना चाहिए, समझे? ठीक है ठीक, मिल के देखेंगे ना, और हल्ला मत करो। बोले बोले बोले, मुझे नहाते हुए दिखता है, मुझे सोच करते हुए दिखता है। आ तुझे दिखाते हुआ, अब बस बहुत हो गया, चिरकुट को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। घर में एक भी शौचालय नहीं बनवाया है, कहाँ नहाऊ मैं, क्या करूँ मैं? ओ भाभी, क्या भनभना रही हो, क्यों भनभना रही हो और किस लिए भनभना रही हो? अरे भाभी बता दो, दिमाग में गुस्सा रखने से दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। आज मेरा दिमाग ब्लास्ट नहीं होगा, आज पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा। आज चिरकुट मिले, आज उसकी ऐसी की तैसी नहीं कर दिया तो फिर बोलना। अरे भाभी रुको, भाभी रुको, अरे रुको भाभी, आज चिरकुट मिले, आज उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। बता दो जरा भाभी, रुको। अरे भाभी रुको तो सही, आज झगड़ा हो के रहेगा। रुको भाभी, अरे रुको भाभी, बता आज, दो आज पूरा के पूरा आर पार की लड़ाई होगी, आज आर पार की लड़ाई होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाभी उसको रुको तो मैं बहुत मारूंगी चिरकुट को। ये शुभम भौजी की खूबसूरती के क्या राज है? पान है प्रिंस। ए मैडम, क्या गाँव में कुछ खबर उबर सुनी है? मेरे को नहीं मालूम, जा अपना काम कर। आपको नहीं मालूम? ए प्रिंस, ये जानती होंगी ना तो भी नहीं बताएंगी, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी की है ना। ए प्रिंस, ये रमसा को वाइफ जब पकड़ाई थी ना, यही उसकी
इकलौती गवाह थी। मेरा प्रिया घर आया ओ राम जी, एक शब्द नहीं मेरा प्रिया घर आया ओ राम जी, कुछ और है, बोलती कुछ और है, देखती कुछ और है, लेकिन करती कुछ और है। तभी से मैं समझ गया, समझे ये क्या क्या कर सकती है। छोड़ो यार, पता नहीं कैसे राजेश व्यास को झेलते हैं। मैडम नहीं सुनी है तो कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा। आप पान खाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो प्रिंस चलते हैं। चलो चलो सुबह भैया, एक सिगरेट देना। आय हाय। ओ मैडम, अरे भाभी आप, और यहाँ और इस कपड़ों में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप गांव घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं, पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रही हैं, आपको पता है? इस गांव में हमारा मान है, सम्मान है, इज्जत है, सब मिट्टी में मिला रही हो। तुमको शर्म आ रही जरा सी भी? ये ड्रेस किसने बोला तुमको पहनने के लिए, किसने बोला? रुको रुको, अभी बुलाता हूँ भैया को। जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। भैया, राजेश भैया, क्या बात है नरेश? देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, पहनावा तो देखिए पहले। अरे रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म उरम है कि नहीं? ये गांव को मुंबई बना रही है, इंग्लैंड बना रही है, दुकान पे बैठ रही, कुर्सी लगा के पान खा रही है, जरा से भी शर्म आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये कपड़े पहनकर बैठी हो? आप चुप रहिए और तुम भी चुप रहो। तुमको कभी से देख रही हूँ, किचिर पिचिर किचिर पिचिर किए जा रहे हो। सुनो तुम, अब दिमाग मेरा मत खराब करो, समझे ना? मेरा दिमाग खराब होगा तो जूती निकालेंगे, 25 जूती लगाएंगे। ए भाभी, औकात में रहो, औकात में। तो क्या करोगे? ये हमारा गांव है, तुम्हारा लंदन नहीं। हाँ तो क्या करोगे? गांव है तो क्या करोगे? वो पता चल जाएगा एक मिनट में। राजेश भैया समझा लीजिए इनको। क्या करेंगे वो? बहुत कुछ कर लेंगे, वो नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे। करोगे क्या? औकात में रहिए भाभी, बैठ जाइए। मैं जैसे कर रहा हूँ, टेक योर सीट। औकात में है? हाँ, औकात में। ज्यादा मत बोलो, तुमको एक घंटे झेल रही हूँ, तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, समझे ना? मेरी मर्जी, चाहे मैं जैसे रहूं, कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, घूमूं फिरूं, तुमसे कोई मतलब? भैया इनको शांत करा लीजिए। क्या आप करेंगे तुम्हारे भैया? शांत हो जाइए आप। क्या करेंगे तुम्हारे? मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगता। अच्छा बैठ जाओ। तो एक घंटे से तुम कर क्या रहे थे? भैया शांत करा लीजिए इनको, नहीं तो गुस्सा मुझे भी आता है। अच्छा गुस्सा आया तो क्या करोगे? करोगे क्या तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या करोगे? दिखा दूँ तुमको? दिखाओ 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 दिखाओ। और आप तो बीच में कुछ बोलिएगा मत, ठीक है ना? जितना मैं आपकी सुनती हूँ उतना ये बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है। बहुत बर्दाश्त करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आपकी बीवी नहीं, इसकी बीवी हूँ। मेरी बीवी होती ना? अच्छा तो मैं बहुत मारता। अरे अरे अरे, देखूंगी। मारोगे मेरे को? मेरी बीवी होती तब दिखाता तुझे। मारोगे मेरे को? मारोगे मेरी बीवी होती तब दिखाता। मारोगे मेरे को? मारोगे? मारूंगा नहीं। हाँ, मेरी बीवी होती तब दिखाता तुझे। अच्छा, मैं क्या करूंगा? अच्छा मैं देखूंगी जब तुम्हारी बीवी आएगी, जितना मारोगे ना सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? हाँ मैं देखूंगी ना, तुम्हारे जैसे। अच्छा, मेरी बीवी आएगी तो जींस पहन के, टॉप पहन के गांव में दुकान पे नहीं बैठेगी। तुम्हारी बीवी आएगी ना तो शॉर्ट कपड़ा पहन के घूमेगी, तुम्हारे जैसा पान खाएगी। हाँ तुम्हारे जैसा पान खाएगी, पिएगी दारू भी पिएगी। आई है लंदन बनाने, मेरे गांव को लंदन बना दो। मेरा मन, मेरी क्या तुम्हारा मर्जी? मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, जहां मन करे वहां घूमूं। ठीक है भैया, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। भैया मैं जा रहा हूँ, आप झेलो उनको, मैं नहीं झेल सकता। जाओ जाओ जाओ, आई है जाओ, अपना काम करो। आया है बड़ा ध्यान देने, निकम्मा कहीं का, मूड खराब। अरे रेखा बात समझा करो। क्या समझे? ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है कि जैसा मन करे वैसा पहन कर चल देती हो तुम। तो फिर मेरी मर्जी, मैं अपने मन की करूंगी,
जो मुझे मन करेगा मैं वही पहनूंगी, वही खाऊंगी, और जहाँ मन करेगा वही घूमूंगी। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अरे अब चलो, अब क्या हुआ? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ तुम्हें आखिर? क्या हुआ है? आपका भाई कितना मुझे बोल के जाता है, हमेशा बोलता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है, आपको भी बोलता रहता अरे है, तुम फिर भी मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, कुछ सुनो। आज तो हद ही कर दी उसने। सुनो, उसका वो बचपन का आदत है। क्या बचपन का आदत? बचपन की आदत है, वो हमेशा किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करता ना। आप झेल सकते हैं ठीक है ना, मैं नहीं झेल सकती। चलो अच्छा चलो, साथ मेरे उसको समझाएं। अगर साथ में उसे रखना भी है या रहना भी है तो उसे समझा दीजिए कि मेरे बीच में कुछ बोला ना करे। ठीक है चलो, उसको समझाऊंगा अभी, चलो। छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह न फुलाया करो, तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ में उसे समझाता हूँ। छोड़िए मुझे। अरे अभी अरे रेखा छोड़ो। अरे ले 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 अरे अरे छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं कहता हूँ जाने दो ना, रेखा ना जाने दो। डराएगा ये मेरे गांव का मेरा भाई है, छोड़ो। अरे 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 छोड़ो, अरे छोड़ो भैया, भैया छोड़ दो, रेखा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे भैया भैया मैं कहता हूँ छोड़ दो ना, छोड़ दो, छोड़िए मुझे, रेखा मेरी बात मानो, छोड़ो इसे, रेखा छोड़ो इसे, रहने दो रेखा, ये करण है मेरा भाई, छोड़ो इसे, कि मुझे डराएगा, छोड़ो, रहने दो, रहने दो, छोड़ो, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, हट जाइए, अरे ये डराएगा मुझे, अरे चलो चलो मेरे साथ, चलो 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 घर चलते हैं, चलो। जहाँ देखो तहाँ झगड़ा ही करती है। अब हम किसी भाभी को नहीं डराएंगे, ना ही छेड़ेंगे। अरे माई, अरे माई, अरे माई, अरे माई, अरे माई, अरे माई। चिरकुट भैया, चिरकुट भैया, चिरकुट भैया, चिरकुट भैया। भैया हमारे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या शौचालय की वजह से शादी नहीं हो रही है? हाँ भैया। तब तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ, मैं मेरे घर में शौचालय भी नहीं और मेरी शादी भी हो गई। सही भैया, आप बहुत नसीब वाले हैं, आप मेरा शौचालय बनवा दीजिए। शौचालय बनवा दे, निकाल के चिता पच्चीस चिता मारेंगे ना भी, है? चल भाग यहाँ से, हम का प्रधान है, जब तू के भरा शौचालय बनवा दे, है? चल भाग यहाँ से, जा प्रधान से बोल। ठीक है भैया, जा रहे हैं। शौचालय बनवा दे, अपने घर में तो हम बनवा ही नहीं सके, इनके घर में बनवा दे। ये बताइए कि आपको मेरे मान सम्मान की, मेरे इज्जत की फिक्र है कि नहीं? हाँ, मेरे बाप से 20 लाख रुपए लिए थे, मकान बनवाए, घर बनवाए, लेकिन एक शौचालय नहीं बनवा सके। मैं जा रही हूँ खेत, लड़के सब छेड़खानी कर रहे हैं, नहा रही हूँ तो देख रहे हैं, शौचालय कर रही हूँ तो देख रहे हैं। आपको मेरे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है, कैसे पति हो आप? तो सोचने वाली बात है चंपा रानी, तो सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी बनवाइए शौचालय, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम भी डरा रही हो मुझे? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, समझा रही हूँ मैं, समझ जाइए, नहीं तो नहीं तो क्या? जानते हैं आप मुझे, मैं क्या चीज हूँ? वो तो जानता ही हूँ मैं तुमको, है? तुम मेरी चंपा रानी हो। भैया भाभी जो बोल रही हैं, शौचालय बनवा दीजिए, अगर पैसा ना हो तो 20,000 रुपया हमसे ले लीजिए और शौचालय बनवा दीजिए। अबे साले खोचू, मुझे 20,000 रुपया देगा? हमारे फैमिली मैटर में क्यों बोल रहा है? तू होता कौन है? तू मेरा बाप है? तू मुझे सिखाएगा? निकाल के जूता 25 जूता मारेंगे भी, चल भाग यहाँ से। भैया देव भैया सही तो बोल रहे थे, लेकर पैसा शौचालय बनवा दीजिए। चुप रह, तू मुझे समझाएगी? तू अपने भैया को समझाएगी? हैं? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तू मुझे बताएगी? चल भाग यहाँ से, जाके बाजरे की रोटी बना, जा यहाँ से, जा जा। ठीक है भैया, जा रहे हैं। देखो चिरकुट, आप उसको भगा सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। ये मेरी जिद है, अगर कल तक शौचालय नहीं बनाना तो आपके सर का एक भी बाल नहीं बचेगा, समझे? भैया एक दिन में शौचालय कैसे बनेगा बताएंगे आप?